जमीन आसमान का फर्क क्यों? 1 लाख तक भी कमा सकते हैं। ऐसा क्यों खड़ा है मुंह उस तरफ करके? मतलब मूड खराब है इसका? आप तो कह रहे थे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिलीव करते हैं, नेचर एनवायरनमेंट, तो यहाँ तो ये पेड़ कटा हुआ पड़ा है, इसका की स्टोरी है? शव जलाते हैं इधर? हाँ, डेड बॉडी। वापस आइए, वापस। वेरी गुड, ट्राई करूंगा, घर जाके रख लेता हूँ मैं। उसके पास नहीं जाएंगे हम। ये बोलता है रीजनरेटिव फार्म। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। बैंगलोर से हम निकले थे ऑर्गेनिक मांड्या, ऑर्गेनिक फार्म हाउस में आने के लिए, और फाइनली हम यहाँ पर आउटस्कर्ट्स में हैं और पहुंच चुके हैं ऑर्गेनिक मांड्या। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड मेरे पीछे है, वी आर हियर राइट नाउ। अब जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ऑर्गेनिक मांड्या मतलब क्या? ये एक ऑर्गेनिक फार्म है। लेकिन आजकल ऑर्गेनिक फार्म्स की इतनी शोशा क्यों हो रही है? एक चलन सा चल रहा है, एक फैशन है, ट्रेंड है, क्या है भाई? ये खेती की बात हो रही है, कोई इंस्टा की रील्स की बात नहीं है। इस खेती में क्यों फायदे ज्यादा होते हैं, क्यों लागत कम होती है, क्यों सरकार जो है आपको प्रोत्साहित कर रही है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़िए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। लेकिन हमेशा की तरह मेरी जुबानी नहीं, मैं तो बस एंकर हूँ, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ के ओनर की जुबानी, यहाँ के मेंटर की जुबानी सब मिलने वाली है। तो वीडियो जो है पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही फायदेमंद फैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो चले, लेट्स गो इनसाइड। ये है मधु चंदन जी का फार्म हाउस, ऑर्गेनिक मांड्या। चलिए आइए, मिलते हैं उनसे, जानते हैं क्या हालचाल है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। हम आपके ऑर्गेनिक फार्म में आए हैं, आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से। ये हैं मधु चंदन जी, ये हैं CEO, ये हैं फाउंडर ऑर्गेनिक मांड्या के। अमेरिका में रह चुके हैं 15 साल तक, लेकिन आज ये इंडिया वापस आए हैं और एक फैंटास्टिक फार्म चला रहे हैं। अब मैं ज़्यादा बोलूंगा ना तो वो बोर हो जाएंगे, सर आप बताइए। तो मैं CEO फाउंडर के पहले मैं कृषिक हूँ, फार्मर हूँ। सो आई बी प्राउड टू बी कॉल्ड एज फार्मर। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम। इससे बेटर इंट्रोडक्शन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये जो खेती आज आप देखने वाले हैं ना, शायद आपने नहीं देखी होगी, शायद आपको पता नहीं होगा कि खेती ऐसे भी की जा सकती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने एक छोटा सा राउंड लिया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खेतों के डिज्नीलैंड में हूँ सर, सही में कह रहा हूँ मैं? दिखाता हूँ। बिल्कुल, बहुत शुरुआत से शुरू करता है। शुरुआत से, जी हाँ। मधुचंदन जी, शुरू शुरू में आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। वो कहावत है ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, अब क्या यही रीजन है कि ये भी खेत है और ये भी खेत है? मतलब कितना ज्यादा फर्क दिख रहा है, एक इस खेत को देखें, वापस आइए वापस, और एक इस खेत को देखें। जब अंदर जाएंगे पूरा डिटेल में दिखेगा, लेकिन वापस आते हैं। अब ये बताइए सर कि ये जमीन आसमान का फर्क क्यों? एक खेत है ना, ये ऑर्गेनिक फार्म बोलता है जी, ये खेत हमारा पूर्विक, हमारा नाना नानी, उसका पहले वो लोग वैसा खेती करता था। अच्छा, एक खेत क्या आप दिख रहे हैं ना, ये वेस्टर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। ओके, इसमें क्या है, एक पेड़ भी नहीं है, कुछ नहीं है। माँ को क्या दिया, माँ को दिया रासायनिक, माँ को दिया कीटनाशक, पॉइजन दिया। करेक्ट, सो कुछ बर्ड्स है, कुछ इंसेक्ट्स है, कुछ नहीं है। ये सेल्फिश जिससे वो, उसमें क्या है ना, और भी कितना कमाता है महीना में, 1500 रुपीज महीना कमाता है। अच्छा, हमारा जैसा खेत, हमारा पूर्विक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग नया नाम है। हाँ, इसको पूर्विक कृषि बोलता है। हाँ, पर है पुरानी, पुराने पुराने वाला कृषि। हाँ, हमारा हमारा फोरफादर्स कर रहा था। हाँ, रासायनिक नहीं, कुछ नहीं, इधर ही ग्रो करता है, इधर ही कंज्यूम करता है। सो मैं दिखाता हूँ कैसा वर्क होता है। ये इसमें ये 1500 महीने कमाता है। हाँ, हम लोग मिनिमम 30-35,000 महीने कमाता है एक एक एकर में मिनिमम। मतलब 25 से 30 गुना ज्यादा, 1 लाख तक भी कमा सकते हैं। वाव,
अब पूरा है, वो अलग सा मॉडल है, मैं बताऊंगा। ओके, ये इसमें फ्रूट का जैसे अभी फ्रूट्स वेजिटेबल्स आ रहा है, 30-35,000 महीना आराम से कमाता है। क्या बात है, मतलब और धरती को भी देता है, अच्छा देता है। धरती माँ को हम पालते हैं, वापस धरती माँ हमको पालते हैं। यही होता है लाइफ में, गिव एंड टेक होता है। आप किसी चीज का ख्याल रखेंगे तभी आपको फ्रूट वहां से मिलेगा। जैसे कि आप कह रहे थे इसे मॉडर्न फार्मिंग कहा जाता है, जहां पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं और पता नहीं क्या कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, लेकिन रिजल्ट्स नॉट इवन हाफ एज व्हाट जो आपको मिल रहा है हमारी एज ओल्ड फार्मिंग में। अभी देखिए इधर बाहर खड़ा है जी, कितना धूप है, कितना टेम्परेचर है। हाँ। अंदर जाएगा तो 2 डिग्री कम होता है, धूप नहीं होता है। हाँ? हाँ, एक्सपीरियंस का आप कर सकते हैं अंदर जाके, मतलब यहाँ से अंदर इतना डिफरेंस, इधर आप ही देख के बोलिए। बिल्कुल सही। लेकिन सर अंदर जाने से पहले एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब ये भी आप ही का खेत है, लेकिन ये पेड़ ये ऐसा क्यों खड़ा है मुंह उस तरफ करके, मतलब मूड खराब है इसका या क्या सीन है? वो सब क्या बोलता है, लीव्स उस तरफ है। हाँ? इस तरफ कुछ एक भी नहीं है। नो? तो ये पूर्व है। ओके? इधर से सूर्य सन विल राइज इधर। हाँ? वो पश्चिम है। करेक्ट। तो इधर सन राइज करने के वक्त क्या होता है, उसको लाइट नहीं मिलेगा क्योंकि ये बाम्बू का बीच में आया है। अच्छा। और ये ट्रीज सन लाइट को ब्लॉक करता है। ओके ओके। सो उसके लिए सन चाहिए, फोटोसिंथेसिस होता है ना। सो वो पश्चिम सन आएगा ना। हाँ। उधर से उसको धूप मिलता है, उस तरफ कोई ब्लॉकेजेस नहीं है। करेक्ट। इसलिए सभी उस तरफ। हम इंसान लोग बेवकूफ है। हाँ। हम सोचते हैं वो बेवकूफ है, वो नहीं, हम बेवकूफ, हमें चीजें समझ में नहीं आती। और वाकई में प्रकृति नेचर जिस तरीके से काम करता है वो शायद हमें समझ में नहीं आती, लेकिन नेचर को सब पता होता है। और आपने अंदर जो नेचर उगा रखा है, चलिए अब वो देखते हैं। तो चलिए सर आफ्टर यू, अंदर चलते हैं। और सर कह रहे थे कि यहाँ का टेम्परेचर इंस्टेंटली फील होगा, कम से कम 2 डिग्री कूलर। आई कैन एक्चुअली फील इट। एंड अगर हम टेम्परेचर की बात करें, यू कैन सी द कूल ब्रीज। या थोड़ा ठंड हो गया, थोड़ा अंदर जाएंगे ना। हाँ। 100% 2-3 degrees कम होता है। ओके। हाँ, सीइंग इज बिलीविंग, तो आप ही देख सकते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन सर एक बात बताइए, आप तो कह रहे थे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिलीव करते हैं, नेचर एनवायरनमेंट, तो यहाँ तो ये पेड़ कटा हुआ पड़ा है, इसका की स्टोरी है? सो ये पेड़ है ना। हाँ। ये 8 साल पहला इतना सा पेड़ था। हाँ। सभी गांव वालों ने बोला ये डेंजरस पेड़ है। अच्छा। एक घर के ऊपर ये, क्योंकि रैपिड ग्रोथ है, रेन ट्री बोलते हैं इसको, रेन ट्री। सो क्या हो गया इस रेनी सीजन में। हाँ। ये आप देखिए कैसा बेंड हुआ है, घर के ऊपर गिर सकता था। अच्छा। ओके। मुझे घर का परवाह नहीं है। हाँ। प्लांट का, इस ट्री का क्या एक गुना है ना। हाँ। आप इसको काटेगा फिर वो रीग्रो हो जाएगा। अच्छा, तो ये खास गुण है इसका, घर बचाने के लिए इसको काट दिया, इसलिए परमिशन दिया, ये मुझे पता है फिर रीग्रो होता है। देखिए स्टार्ट हो गया। ओह नाइस। तो सर दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। और सर ये भी बताइए, शुरुआत में ही आपने बैम्बू की ट्रीज लगाए, इसका कोई पर्पस है? सो इन मोस्ट कॉर्नर, सभी कॉर्नर में बैम्बू ट्री लगाया है। बैम्बू क्या करता है ना, ये एयर कंडीशन जैसा एक्ट करता है। कैसे? मतलब आपका टेम्परेचर, फार्म का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। अच्छा। मतलब अब ज़्यादा धूप हो गया तो ठंड करता है, ज़्यादा ठंड हो जाएगा तो गर्म करता है। सो इट्स अ नेचुरल एयर कंडीशनर फॉर द फार्म्स। इसलिए यू हैव टू हैव इट इन द कॉर्नर ऑफ द फार्म्स में आया डालेगा तो अच्छा है। दैट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये मुझे पता नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड बहुत ही, आप देख सकते हैं कितना फूल का डाला है। ये अनीबिस होता है ना। हाँ। अनीबिस। हाँ। अनीबिस को अट्रैक्ट करता है। अच्छा। अनीबिस इस पे आके नेक्टर देता है। हाँ। वो वेजिटेबल के ऊपर बैठता है पॉलिनेशन के लिए। अनीबिस 30% यील्ड ज्यादा होता है, अनीबिस नेचुरल अनीबिस होता है तो। हाँ। 30% यील्ड ज्यादा होता है। नाइस। ये सीख है हम सारे फार्मर्स के लिए, और अगर आप न्यू फार्मिंग करना चाह रहे हैं ये आपके लिए भी एक पॉइंट है, दिमाग में रखिए। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, शुरुआत ही प्रॉफिट से हो रही है सर, मतलब घर के अंदर घुसते ही, फार्म में घुसते ही आपने बता दिया कि कैसे हनीबीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं सिर्फ फूल लगा कर। आदित्य जी, क्या बोलते हैं ना, अरेका ट्री, मतलब सुपारी, सुपारी
अच्छा, सुपारी नहीं, वो सुपारी देते हैं ना मुंबई में, वो सुपारी नहीं है, सुपारी का ट्री है। मैं मुझको लगा वो सुपारी के पेड़ भी बनने लग गए। सो पान में सुपारी डालता है ना, उसका है। 5 साल हो गया है, अभी 2 साल से सुपारी दे रहा है। अच्छा, हमारे लिए हमारा पान का पत्ता भी है, आगे दिखाऊंगा, पान का पत्ता भी है। तो ये था सुपारी का पेड़। सुपारी का पेड़, ये क्या है ना, ड्रमस्टिक, हिंदी में मोरिंगा, हिंदी में मोरिंगा बोलते हैं ना। हाँ, मोरिंगा का पेड़ है ये। मोरिंगा भी छोड़ते है हम, ये क्या है ना, ये नाइट्रोजन फिक्स करता है सॉइल को नेचुरली। वो नाइट्रोजन वो एसेंशियल फर्टिलाइजर है, वो बाहर से किसान लोग बाहर से खरीद के जमीन पे डालते हैं। हाँ, ये नेचुरली ये रिलीज करता है, रिलीज करता है वो जमीन पे फ्री। हाँ, फ्री पे देता है। हाँ, उसके ऊपर हमको फ्रूट भी देता है। अच्छा, वो फ्रूट भी देता है, फ्रूट भी देता है। दैट इज कॉल्ड रीजनरेटिव। मतलब ये काफी लेवल की मल्टी क्रॉपिंग आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रजातियों के यहाँ पर पेड़ हैं। इनफैक्ट जहाँ तक मैंने सुना है मधु सर, आप मुझे बताइए इफ आई एम राइट और रॉन्ग, ये जो हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं ये नेचुरली हेल्प करते हैं एक दूसरे को। करेक्ट है ना, मतलब बढ़ने में। आपको एक और चीज दिखा दूंगा, ये पेड़ कौन सा है पता है? नहीं सर, कौन सा है ये? ये हिमालय में ग्रो करता है ये पेड़। ये पेड़, अच्छा, रुद्राक्ष बीज होता है ना। हाँ, हाँ, ऋषि सब लोग इस पेड़ में छोड़ता है। अच्छा, अभी मैं कश्मीर से लेके आया था। हाँ, सब लोग बोला ये नहीं ग्रो करेगा, देखो अभी ये 4 साल का है। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा है, अगले साल और इस साल में रुद्राक्ष भी आएगा। पता है ना, रुद्राक्ष बीज आएगा तो कितना कीमती है। हाँ, बहुत पैसा देता है। क्या बात है सर, हिमालय का पेड़ भी यहाँ पर है, खेती हो रही है उसकी, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बताइए, हिमालय का एक और दिखाता हूँ। हाँ, शिमला एप्पल है। ओके, एप्पल देखिए। हाँ, कितना बड़ा हो गया, अगले साल ये फ्रूट एप्पल छोड़ेगा इधर। अच्छा, एप्पल छोड़ेगा। हाँ हाँ, केरला का रबर ट्री। अच्छा, रबर आता है। हाँ, मतलब एक तरफ अभी हमने 2 कदम पहले हिमालयन ट्री देखा, यहाँ शिमला का एप्पल ट्री है, यहाँ पर केरला का रबर ट्री है। मतलब देख रहे हैं लेफ्ट राइट में क्या कुछ नहीं हो रहा है। ये सक्षम फार्मिंग जिसे कहते हैं, सक्सेसफुल फार्मिंग आपके सामने है। और बताइए सर, ये तो शुरुआत है। हाँ, ये एक बासमती राइस है ना। हाँ, हाँ, उसका स्मेल आता है, कुछ भी आता है। अच्छा, इसमें सो आप राइस बनाएंगे ना। हाँ, राइस में डालेंगे ना ये पत्ता। हाँ, वो खुशबू बहुत अच्छा खुशबू आता है। ओके, बासमती राइस का प्लांट है। वेरी गुड, ट्राई करूंगा, घर जाके रख लेता हूँ मैं। ये पोषण क्या किया हो ना, अभी देख रहे हैं ना, बड़ा बड़ा ट्रीज, कितना बड़ा ट्रीज। हाँ, पूरा ये ट्री ये फॉरेस्ट के लिए बना है। अच्छा, हमारा कंजम्पशन नहीं, पक्षियों के लिए, एनिमल्स के लिए, जीव जंतु होता है ना उनके लिए समर्पित है। अच्छा, क्योंकि ये वो लोग को हम देखभाल करेंगे ना। वो लोग हमारा देखभाल करेगा। सर, ये इतना नोबल थॉट है, मतलब इसके बारे में तो जितना कहा जाए ना कम है। और भी लोगों की अगर ऐसी सोच होगी, मेरे को लगता है इंडिया एज अ देश वो भी उन्नति करेगा, जैसे कि आप कर रहे हैं और आप दिखा रहे हैं। एक एकड़ में क्या होता है ना, सभी बनाना है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग बोलता है। ओके, करेक्ट। हमारा पास आप देखिए रैबिट्स देखा जी, सबका 650 वेराइटी का ट्री है। बिल्ली भी है, कुत्ता भी है। हाँ, गाय भी है, मुर्गे भी थे, मुर्गी भी है। हाँ, और फिश भी है, फिश का पॉन्ड भी है इधर। हाँ, सो इंटीग्रेटेड। और आपने बोला कोबरा भी है, कोबरा भी कोबरा भी था वो, उसके पास नहीं जाएंगे हम। नहीं नहीं, रोज आता है ट्री। आपको आप बोला ना उधर एंट्रेंस में इसी जात का ट्री दिखाएगा, वो स्टेप वाला। हाँ, एक तरफ ग्रो कर रहा है। अच्छा, इसी जात का ट्री दोनों तरफ लीव्स छोड़ रहा है। ओके, इसके लिए सनलाइट का इस तरफ से उसको मिल रहा है, सराउंड पूरा मिलेगा, इसलिए पूरा साइड ग्रो हुआ है। काफी वन साइडेड अप्रोच है ट्री की। हमारा इस फार्म का हार्ट बीट है गाय, हैज टू बी विद, तो गाय के बिना कुछ नहीं है, इसलिए गाय को गोमाता बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा सब कुछ देता है। अच्छा, ये गोबर क्या है, ये गोबर सभी फार्म में ग्रो हुआ है। बिल्कुल,
सभी फार्म में ग्रो हुआ वो इट्स लाइक ए फैक्ट्री, प्रोसेस करके हम मुफ्त में देता है। गाय को भी हम घास नहीं लेते हैं बाहर से, इधर का घास। सो सभी ये बोलता है रीजनरेटिव फार्मिंग। रीजनरेटिव फार्मिंग मतलब आप देख रहे हैं ये साइकिल जो पूरा अपने आप में चल रहा है और पूरा हो रहा है। इस गोबर से फर्टिलाइजर का काम होता है जिससे और घास उगती है, वो चारा बन के वापस गाय के पास आता है। ऑल्सो सेल्फ सफिशिएंट। गोमूत्र से हम इंसेक्टिसाइड बनाता है। करेक्ट। क्योंकि पल के लिए इंसेक्ट नहीं डाला गोमूत्र से, वो ब्रह्मास्त्र नीमास्त्र नीम से करेक्ट नीमास्त्र बनाएंगे। ओके सो बहुत सारा है। अब देख रहे हैं ना ये हमारा लोकल रीजन का गाय है, देसी गाय। इसको मलनाड गिड्डा बोलता है, मतलब मलनाड इस ये वो प्रदेश है कर्नाटक में, कूर्ग बोलते हैं ना। हाँ, करेक्ट। उस रीजन को मलनाड बोलता है। अच्छा। उसका वैरायटी का गाय है ये, इसको देसी गाय के लिए क्या बोलते हैं उसको, ऑन ऑन होता है सिंह। हाँ। ये बुल है, गाय से दूध आता है ना जी, वही श्रेष्ठ दूध है वो, उसको ही आजकल A2 मिल्क A1 मिल्क सुना है ना। करेक्ट करेक्ट। A1 काउज फॉरेन काउज होती है, देसी गाय से आने वाला मिल्क को A2 मिल्क बोलते हैं। सो ये हमारा हृदय भाग है, इट्स द हार्ट बीट ऑफ दिस फार्म। ओके इट यस। और ये एक बहुत ही क्यूट सी छोटी सी फैमिली है इनकी, बात हमें बताई थी हिस्ट्री सर ने। ये जो है ये पिताश्री है, बाप है, माताश्री वहाँ है उधर है, माताश्री लक्ष्मी। हाँ जी। ये नंदी है, नंदी जी। हाँ। नंदी का बेटा है। हाँ। नंदी का बेटी। हाँ। नंदी और लक्ष्मी का बेटी बेटा। और ये मलनाड गिड्ड और पुंगनूर एक तली का क्रॉस है। अच्छा। क्यूटी उसका नाम, मतलब पूरा परिवार यहाँ आपके सामने है। ये मंडिया का ब्रीड है, अल्लीकार बोलता है। अच्छा। इसको अल्लीकार बोलता है। और मंडिया मैसूर कोलार इस रीजन में वैसा बेटा। ये बुल है, अभी छोटा है, अभी छोटा। अच्छा ये छोटा है। तो अभी तक भी हमने सिर्फ एक हिस्सा ही कवर किया है, क्योंकि अभी जो है वाकई का जो फार्म है वो है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ बाहर बाहर का हिस्सा था जो हमने अभी कवर किया है। तो अंदर चलते हैं। अंदर आपको मिलेगा खाने वाला चीज खजाना, खजाना टाइप आपको मिलेगा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब लोग सब कुछ मिलेगा उधर। फैंटास्टिक। तो आप सबने देख लिया, सुन भी लिया कि कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके काम आ सकती है अगर आप खेती शुरुआत कर रहे हैं, आप ये सोच विचार में हैं कि ऑर्गेनिक करूं या फिर नॉन ऑर्गेनिक करूं। जवाब आपको मिल ही चुका होगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक खेती जो होती है उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, इनकम कम होती है। यहाँ पे उल्टा है, इन्वेस्टमेंट कम है और इनकम ज़्यादा। इनऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडर्न फार्मिंग आप करेंगे ना, आपके पास कम से कम 100 एकड़ से ज़्यादा होना चाहिए, पैसा देखने के लिए 100 एकड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा। आप 1-2-3 एकड़ में वो फार्मिंग करेगा ना, मॉडर्न फार्मिंग, इट्स लाइक कमिटिंग ए सुसाइड। अच्छा। यू विल नेवर एवर मेक मनी। आपको आप रोज क्या बोलता है, पुअर को क्या बोलता है हिंदी में, गरीब हो जाता है। हमसे ज़रूर कोई भी सवाल करना चाहे पूछिए कमेंट सेक्शन में, हम मोर देन हैप्पी हैं हमेशा की तरह उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए।